हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए हुए हैं वृंदावन में वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वो ब्लॉग मैंने जहाँ पर छोड़ा था उसके आगे से ही मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम मेन मंदिर से बाहर आ जाते हैं, फिर ऊपर की साइड जाते हैं क्योंकि अभी हमें गुफा में भी जाना है और गुफा में भी नौ देवियों के दर्शन करने हैं। तो यही रास्ता जाता है नौ देवियों के दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बड़ी एरिया में बना हुआ है। और इसमें जो दुर्गे माँ की मूर्ति लगी है वो भी बहुत बड़ी लगी हुई है और उसके बारे में मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया हुआ है। और यहाँ हम लोग आ जाते हैं गुफा के अंदर और नीचे की साइड जाना होता है यहाँ पर, और यहाँ हमको नौ देवियों के दर्शन करने को मिलते हैं। तो गुफा में थोड़ा थोड़ा पानी भी था तो वहाँ पर हम लोग को हिसाब से चलना होता है क्योंकि स्लिप ना हो जाए। यहाँ सीढ़ियों पर भी पानी था और यहाँ पर अभी हमें नौ देवियों के दर्शन नहीं हुए हैं। अभी हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, फिर एक परिक्रमा लगाएंगे और उसके बाद फिर हम अंदर गुफा में दोबारा से जाएंगे। तो ये रास्ता आ गया है हमारा गुफा में जाने के लिए और यहीं से हमें बाहर भी जाना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर गुफा में बाकी की और माताओं के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम गुफा से बाहर आ जाते हैं और हम नीचे की साइड भी आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग पिक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने भी कुछ पिक्स वगैरह ली थी और यहीं से हमें एग्ज़िट भी करना है। और ये आ गया है एग्ज़िट, जहाँ से एग्ज़िट करना होता है हमें। और यहाँ भी उन्होंने बहुत ही सुंदर कारीगरी की है, आप दीवार पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया हुआ है। और बाहर जाते समय उन्होंने हमें प्रसाद दिया और ये चीज़ हमें प्रसाद में दी है, इसके अंदर हमें प्रसाद मिलेगा। और यहाँ हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और अभी हम लोग जाएंगे हमारे रूम पर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।